मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ सबसे पहले मानसहरा में जलसे आम से खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज करेंगे। मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया है। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये मुल्क शहदा की कुर्बानियों की वजह से बना था। डेंगी मच्छर के डंक मजीद तेज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 107 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 213 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक। शहर के अस्पतालों में डेंगी के 68 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगी से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। धुआं छोड़ने वाली 3,993 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। 10,515 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। CTO का कहना है कि रेत मट्टी और धुआं वाली गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रही हैं। डिटेलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशा की सप्लाई बदस्तूर मुतासर। चीनी, दाल माश, दाल मसूर, काले चने गायब। शहरी सस्ती अशा के हसूल के लिए ख्वार। शहरी कहते हैं कभी आटा नहीं मिलता तो कभी चीनी नहीं मिलती। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। ब्रायलर बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 458 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 329 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में सब्जियों और फलों के मनमाने दामों फरोख्त जारी। प्याज 130, टमाटर 220, लहसुन 600, अदरक 700 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। टींडे 180, मेथी 160, शलजम 130 रुपये किलो में दस्तियाब। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये किलो में फरोख्त। खजूर 650, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपये फी किलो में दस्तियाब। अवामी रक्षा यूनियन के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती। इसराइली वहशियाना जंगी जनून के खिलाफ नासिर बाग से रीगल चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। अवामी रक्षा यूनियन के चेयरमैन ने रैली की क़यादत की और कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फ़ौज और फ़लस्तीन के साथ है। रैली में रिक्शा ड्राइवरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। वन विंडो सेंटर में अराजी इंतकाल, नक्शा पास करने और माहौलियात के NOC की सहूलत मुयसर होगी। वन विंडो सेंटर पर ऑपरेशन 5 मराहल में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क्याम से मुतलिक इजलास। सरमायाकारों और सनअतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोलूशन पर तजावीज़ का जायजा। फेडमिक, पैडमिक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसज फराहम करेंगे। LDA City हाउसिंग स्कीम मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। LDA City का अलॉटीज को प्लॉटों के कब्जे देने का फैसला। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। LDA City और LDA Avenue 1 में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। मेंटल हस्पताल में ज़ेर इलाज 33 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली। नियाज अहमद ने बेड की चादर से दरवाजे के जंगले से बांध कर फंदा लिया। मनशियात के आदि 33 साल नियाज को 3 रोज़ कबल हस्पताल मुंतकिल किया गया था। इंतजामिया की जानब से वार्ड्स में कोई हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं थे। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। महकमा सेहत ने वाकये की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 3 दिन में अपनी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी।
غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 7,135 غیر قانونی افغان شہری وطن واپس روانہ ہوئے۔ مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ 1 نومبر سے اب تک کل 182,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو 3 ماہ کی توسیع مل گئی۔ ذکا اشرف 5 فروری تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ نگران وزیر اعظم نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں اسموک کے خاتمے کے لیے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت کمشنر لاہور نے کی۔ ریلی میں بچوں نے بھی شرکت کی، جن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے بجائے سائیکل کا استعمال اسموک کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ لاہوریوں کی کثیر تعداد نے جلانی پارک میں لاہور لاہور فیسٹیول کا رخ کر لیا۔ لاہوری خوابوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دکھائی دیے، تو وہیں خواتین سٹالز میں دلچسپی لیتی ہوئی دکھائی دی۔ لڑکیاں تصویریں بنانے میں مگن۔ پنجاب حکومت کے فیسٹیول لاہور لاہور کے تحت پنجاب اسٹیڈیم میں شاندار کبڈی میچ کا انعقاد۔ قومی کبڈی ٹیم نے کے کھلاڑی محمد عرفان اور مشرف جاوید جنجوا اور ڈائریکٹر اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل کی بھی خصوصی شرکت۔